अपना देखियो का आपका ऑनलाइन क्लास नाइन का गणित का चल रहा है बेटा। पहला वीडियो आज से बन रहा है बेटा आपका, और अब आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है बेटा। अब अच्छी तरह बेटा पढ़िए। किताब का नाम आपको बताया जाएगा बेटा कल, संभवतः हम आपको किताब के विषय में बता देंगे कि कौन से राइटर का किताब आपको लेना है। तो आज से हम बेटा आपको पहला वीडियो मैं बना रहा हूं मैथ का, और चैप्टर नेम बेटा है आपका पॉलीनोमियल्स बहुपद। देखिए बेटा, पहले हम आपको ये बताएंगे कि बहुपद क्या है। बहुपद क्या है तो देखिए आपको मैं बता दूं बेटा कि बहुपद है कुछ निश्चित चर, आपको मैं बता दूं बेटा कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग का मतलब घटता है, अंतर मतलब गुणा घटाना, गुणा मतलब गुणा भाग भाग मानना इत्यादि के संयोग से बने पद को हम विधि व्यंजन कहते हैं। पहले आपको बताना है बेटा कि विधि व्यंजन क्या है। ये जो आपका बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बीजी व्यंजन जो यहां पर बेटा है, बीजीय व्यंजन, बीजीय व्यंजन पहले क्या है मैंने आपको बताया। ओके, समझ गया बेटा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें बेटा, पहला जैसे 3x+7 की बात, 3x+7 देखो बेटा, मैंने आपको कहा कि कुछ निश्चित चर, निश्चित चर बेटा जैसे आपका याद समझ, ये तुम्हारा चर है, ये क्या है चर, और ये क्या है बेटा अचर, समझ रहे बेटा मैंने जो बताया उसको ध्यान समझे। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का जो योग होता है, योग है अंतर गुणन भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को हम क्या कहते हैं, विधि व्यंजन कहते हैं, समझ लो बेटा। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है बेटा आपका, और यहां पर आप देख रहे बेटा, यहां पर जो चीज मैंने बताया जैसे कि ये ध्यान रखिए 3x²-4x+2 की ठीक है ना। तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपका बेटा यक्ष आपका चर राशि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यक्ष क्या है चर राशि है बेटा, तथा जो व्यंजक के जो आपके प्रत्येक पद में यक्ष का जो गुणांक है, यक्ष का जो बेटा आप देख रहे हैं ठीक ना, तो यह उसकी जो यक्ष और उसकी घात वाले जो आपके पदों का जो गुणांक है, एक अचर राशि, अचर राशि मतलब होता है वास्तविक, क्या होता है वास्तविक, तो ये जितने भी आपके हैं ये आपके क्या होता है बीजी व्यंजन, क्या है बीजी व्यंजन ठीक बेटा। तो एक आता है बेटा गुणांक आता है, मैं आपको बता दू बेटा एक शब्द है गुणांक, एक शब्द होता है बेटा गुणांक, गुणांक ठीक बेटा। तो गुणांक बेटा जो कोफिशियंट होता है बेटा, अब ध्यान रखिए कोफिशियंट कोफिशियंट बेटा आपका गुणांक होता है, कोफिशियंट ये हो गया बेटा गुणांक, क्यों ना कोफिशियंट मीन्स होता है गुणांक। अब देखिए गुणांक की मैं बात करूं तो इसमें गुणांक क्या है, तो ये ध्यान रखिए यदि पहले एग्जाम्पल से देखा जाएगा तो
भी एक्स का गुणांक क्या है, थ्री है, तो यही तुम्हारा है, ये जो आपका बेटा यहाँ पर जो देख रहे हैं यही तो गुणांक है। यदि हम बात करें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो क्या बताएंगे बेटा, थ्री बताएंगे, क्या बताएंगे, थ्री बताएंगे। और यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, तीन है बेटा, एक्स का गुणांक कितना है, तीन। तो ये आपका कोएफिशिएंट होता है बेटा, जो चल राशि का, जो चल राशि के साथ आपका एंट्री होता है बेटा, वही तुम्हारा क्या होता है, गुणांक होता है। तो इस एग्जांपल में, इस उदाहरण में एक्स का गुणांक कितना है, थ्री है, और इसमें बात किया गया है कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, इसमें भी आपका तीन है। अब बात आती है बेटा ध्यान की, जैसे एक आपका होता है पॉलीनोमियल्स में बात, पॉलीनोमियल्स बहुपद, मैं बहुपद की बात कर रहा हूं बेटा। जैसे हम बात करें बेटा बहुपद में, तो पी एक्स इजिकल टू ए जीरो, ठीक बेटा ना, पी इजिकल टू तुम्हारा ए जीरो प्लस के ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डाटा डाटा तुम्हारा हो जाएगा, और ए आपका हो जाएगा बेटा प्लस की एन एक्स की पावर है, ठीक बेटा ना। तो ये क्या है आपको दिखाया कि रूप का है, मान लो बहुपद है, इस रूप का है पी एक्स इक्वल टू एक्स में बहुपद है, या किसमें बहुपद है, या एक्स में बहुपद है। तो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डाटा प्लस ए एन अनंत, मतलब एन तक हमने देख लिया, ठीक ना। तो इसमें जो आपका जहां पर बेटा आप ये देख रहे हैं, तो ए जो आपका है, जो ए जीरो ए वन ए जितने भी है तुम्हारे, ए जीरो कामा ए वन और ए टू, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहा है बेटा डाटा जो ए एन, ठीक बेटा ना। तो इसे हम कहते हैं बेटा जो आपका है, तो ये वास्तविक संख्या है, क्या बेटा आपका है, वास्तविक संख्या, वास्तविक ये संख्या है, ठीक बेटा, ये वास्तविक संख्या है। तो हमारा जो यक्ष बहुपद है ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डाटा प्लस ए एन इंटू एक्स की पावर है, तो इसमें जो ए जीरो ए वन ए टू डाटा ए एन जो है, यह बेटा आपका वास्तविक संख्या है आपका है, ठीक बेटा ना। और आपको मैं बता दू बेटा कि आपका ए एन इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब ए एन जो है यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए बेटा, पहली बात आप ये समझ जाइए बेटा। और आपका जो है नॉन नेगेटिव जो इंटीजर, मतलब कह सकते हैं एक ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक ना। तो ये जो हमने आपको बताया कि जो ए जीरो ए वन ए टू डाटा टू ए एन है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, और आप बेटा आपका ए एन इज इक्वल टू जो आपका है ए एन इज इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक बेटा। अब ये बात आती है कि बेटा आपका कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जैसे बहुपद का मानक रूप होता है बेटा, एक होता है बहुपद का मानक एक रूप होता है, बहुपद का एक मानक रूप होता है बेटा, हमारी बात ध्यान समझिए। तो बहुपद का जो मानक रूप होता है, तिरंगा यदि किसी बहुपद को, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है तुम्हारा, किसी बहुपद को चर राशि की जो घातों को, यदि किसी बहुपद को चर राशि की घातों को आरोही आरोह मतलब बढ़ते क्रम आरोह